نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين يا رب العالمين हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हबशा की तरफ मुसलमानों की फर्स्ट हिजरत हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था? ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम में नहीं भेजा था। अगर आपको टेस्ट में ये आ जाए, पहली हिजरत हुई थी तो कुछ लोग चले गए थे, ये लोग उनके पीछे गए लेकिन वो शिप में बैठ के जा चुके थे, तो फर्स्ट टाइम में नहीं भेजा। लेकिन जब सेकंड टाइम में और ज्यादा लोग निकल गए तो उसके बाद भेजा। ये जो कन्वर्सेशन जाफर की हो रही है नजाशी के साथ, ये सेकंड माइग्रेशन के बाद है। वो सारे नहीं वापस आए थे। मैंने बताया था जैसे उस जब वो गए थे तो पीछे से क्या इंसिडेंट हुआ था जो बहुत प्रोमिनेंट था, सूरह नजम की आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिलावत की थी और तो सब लोग सज्दे में चले गए थे, और उसके बाद ये क्या रूमर फैल गया था कि ये लोग मुसलमान हो गए और वो लोग वापस आने लगे। लेकिन जब वो करीब पहुंचे थे तब उनको पता चला कि इट वॉज जस्ट रूमर, तो वो लोग फिर उनमें से बाज तो वापस चले गए, बाज आ गए, तो इस तरह से हुआ। लेकिन जो इंसिडेंट ये हुआ है तो जाफर का, ये सेकेंड माइग्रेशन के बाद हुआ। नहीं, कुछ लोग इनमें से आ गए थे, कुछ तो वैसे ही वापस चले गए थे, और फिर उसके बाद सेकंड माइग्रेशन में तो काफी ज्यादा लोग गए, यानी तकरीबन आप समझ लें कि अभी हम बात करेंगे 100 के करीब लोग माइग्रेट हो गए जी। नहीं, दोनों को मिला के 100 के करीब लोग जो थे वो माइग्रेट कर गए। अब आप देखें, थोड़ा सा ये बात सोचें कि अभी 4 साल गुजरे हैं और इतनी मेहनत के बाद एक बंच ऑफ मुस्लिम्स, एक कम्युनिटी तैयार हुई है, 3 फिगर में आ गए हैं लोग मुस्लिम्स, एक अब थोड़े नजर आने लगे हैं, और उनमें से 100 चले जाएं तो पीछे क्या है, कितना एक ये हार्ड डिसीजन होगा और कितनी बड़ी सेक्रीफाइस थी। इसलिए ये सेक्रीफाइस दी गई कि चलो ठीक है, तुम लोग तो जाओ और जाके वहां पे कम से कम सुकून से जिंदगी गुजारो और अपने दीन को प्रैक्टिस कर सको। जो यहाँ पे हैं, जो इतने टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन चलो जो जा सकते हैं वो तो जाएं। लेकिन आप सोच सकते हैं पीछे स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई होगी, कितने जब हम लोग कम होते हैं, आप कहीं भी देखें माइनॉरिटी जब भी होते हैं तो हम किससे स्ट्रेंथ लेते हैं, एक दूसरे से लेते हैं कि वो भी है, चलो फलां भी है। और इस वक्त जब इतने सारे लोग चले गए तो पीछे जो लोग होंगे उनके लिए कितना हार्ड होगा ये, ऑलरेडी हम फ्यू थे और अब वो जो बड़े बड़े जो ज्यादा जरा मतलब अच्छे जा सकते थे, जो लोग जो आजाद लोग थे वो वैसे ही चले गए, पीछे रह कौन गए, जो ज्यादा गरीब हैं, गुलाम हैं, जो जा ही नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि उनको इजाजत दे दी कि जाओ तुम चले जाओ। और आपको पता है कि बहुत अरसे बाद जब मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए थे तो उस वक्त एक कुछ लोग आए थे यहाँ से, हबशा से एक काफिला आया था और ये लोग यानी मुसाफिर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इनके आने का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके लिए खाने पीने, इनके लिए तकिए, इनके लिए बैठने का कि बेहतरीन इनका इंतजाम हो, तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो गए कि इनको किसी तरह की भी तकलीफ ना हो। तो सहाबा ने फरमाया भी कि हम काम कर लेंगे, आप क्यों तकलीफ करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप उनके साथ, सहाबा ने कहा कि आप उनके साथ बैठे हम करते हैं, तो आपने फरमाया नहीं, ये लोग वो हैं कि जिन्होंने हमें इज्जत दी और हमारी मेरे सहाबा की मेहमान नवाजी की उस वक्त जब हम बहुत कम थे, जब हम ऐसे थे कि छुपते फिरते थे और भागते फिरते थे, और मेरे सहाबा इनके पास गए और इन्होंने उनको इज्जत दी, तो आज मैं खुद इनके लिए यानी एहसानमंदी के तौर पे इनके लिए मैं खुद सर्व करूंगा। ये बाद में जब मदीना आ गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वक्त ये काफिला आया था, यानी इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑनर दिया उन लोगों को कि इन्होंने मेरे सहाबा की तकरीम की थी उस वक्त जब हमें जरूरत थी।
जब हम पिसे हुए थे, जब हम छुपते फिरते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी का भी एहसान भूलना नहीं चाहिए इंसान को, कि जिसने आपके बुरे वक्त में, ऐसे वक्त में जब आपको जरूरत थी उसने आपका हाथ थामा था, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब तक याद रखा कि इन्होंने मेरे सहाबा को ऑनर दिया था, इन्होंने मेरे सहाबा की इज्जत की थी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ज्यादा यानी एहसान मंदी दिखाई। और आपको पता ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के लिए दुआ भी की थी। और फिर मैं हमने लास्ट टाइम दारुल अरकम के बारे में पढ़ा था, इसी तरह हमने कुछ वाकयात देखे थे, खास तौर पे उनमें एक वाकया था जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, कि किस तरह उनको काबा के पास उनको किस तरह से इतना टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश होकर उनके कबीले वालों ने समझा कि अभी ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने किस वक्त जब होश में आए और खाना पीना उनको ऑफर किया गया, तो किस वक्त उन्होंने खाना कबूल किया कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं लूंगा कि वो खैरियत है, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुंह में कुछ नहीं डालूंगा। तो इंशाल्लाह तआला हम यहाँ से पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 दराजियां, और मेरे पास बुक में पेज नंबर 106 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं जब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर सख्ती बहुत बढ़ गई और जिंदगी की राहें दुश्वार हो गई, तो वो हिजरत हबशा के इरादे से निकल पड़े। अब आखिर इन्होंने भी सोचा कि मैं भी हिजरत कर जाता हूँ। बरके गिमाद पहुंचे तो पारा और अहाबीश के सरदार मालिक बिन दुगन्ना से मुलाकात हो गई। अब ये जो है कुछ मदीना के आउटस्कर्ट्स में एक कुछ कबाइल थे, उनका सरदार था। उसने इरादा दरियाफ्त किया, उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने बताया तो कहने लगा, आप जैसा आदमी निकाला नहीं जा सकता, आप खाली हाथ वालों का बंदोबस्त करते हैं, सिलाए रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल में मदद करते हैं, लिहाजा मैं आपका जामिन हूँ, आप वापस चलें और अपने शहर में अपने रब की इबादत करें। आप ये देखें, इसी किस्म की खूबियां पहले किसके बारे में आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने बयान की थी, अगर खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो देखें इनका इमेज क्या था सोसाइटी में, आपने देखा जिनके अंदर पहले से खैर होती है ना, अल्लाह ताला उनको फिर वाकई हक की पहचान करवा देता है। इसके बाद दोनों वापस आए और इब्ने दुगन्ना ने कुरैश में ऐलान किया कि इसने अबू बकर को पनाह दी है। अब पता है कि उस वक्त क्या होता था कि कोई किसी की गारंटी देता था, पनाह देता था कि मैंने इसको पनाह दे दी, अब कोई इसको टच नहीं कर सकता, तो कोई इसको हर्ट नहीं कर सकता था। तो कुरैश ने इसकी पनाहदेही का इनकार नहीं किया, अलबत्ता ये कहा कि अबू बकर से कहो कि वो खुल्लम खुल्ला नहीं बल्कि अपने घर में अपने रब की इबादत करें, क्योंकि हमें अंदेशा है कि हमारी औरतें, बच्चे और कमजोर लोग फितने में ना पड़ जाएं। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक कुछ अरसा इस पर बरकरार रहे, कुछ अरसा तो घर के अंदर इबादत करते रहे, फिर उन्होंने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली और खुले आम नमाज पढ़ने लगे और तिरात करने लगे। इस पर इब्ने दुगन्ना ने अपनी पनाहदेही याद दिलाई तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह में राजी। यानी पहले तो ठीक है उनकी बात मानी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब इतना ये नहीं हो सकता कि मैं हमेशा छुप छुप के नमाज पढ़ूं। अपने घर के सहन में इन्होंने मस्जिद बना ली थी, यानी वहां नमाज पढ़ते थे और ऊंची आवाज में, जब नमाज में इसका मतलब इतनी आवाज में फिराज करते थे कि लोगों को सुनाई दे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे हमारे बच्चे और औरतें फितने में पड़े, क्योंकि आगे पता चल रहा है कि कैसे वो फितने में पड़ते थे कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रोने वाले आदमी थे, कुरान पढ़ते तो आंखों पर काबू न रहता। सातवें पारे का स्टार्ट हमने यही पढ़ा ना कि जब वो कुरान सुनते हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। तो अबू बकर सिद्दीक तो यानी इनके बारे में ये था कि बहुत रोने वाले। आज के वक्त में अगर कोई मर्द रोए तो क्या समझा जाता है, बहुत बुरा समझा जाता है ना, एक कमजोरी समझी जाती है। और अबू बकर सिद्दीक हाँ कि ये औरतों की तरह रो रहा है, यानी मर्द के लिए तो बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता कि इसकी आंख में आंसू आए तो ये इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं। हालांकि देखिए अबू बकर सिद्दीक कैसे थे, इतने नरम दिल थे कि कुरान पढ़ते तो आंखों पर काबू ना रहता, चुनाचे मुशरिकीन की औरतें और बच्चे टूट पड़ते, वो सारे जमा हो जाते वहां पे, वो ताज्जुब करते और हैरत से देखते। अब उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट बात थी कि इतना रो रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, और मुशरिकीन इसकी वजह से भी अबू बकर सिद्दीक को ईजाएं पहुंचाते थे कि इनकी वजह से हमारे औरतें और बच्चे ये ना हो कि वो भी इस्लाम ले आए और हमें उल्टा मुसीबत पड़ जाए। इन्हीं संगीन हालात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और मुसलमान गुजर रहे थे कि ऐसे वाकयात पेश आए जिनके नतीजे में कुरैश के दो जांबाज सरफरोश मुसलमान हो गए और इनकी कुव्वत के साए में मुसलमानों ने बड़ी राहत पाई। देखें अल्लाह ताला ना जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला ऐसा रास्ता निकालता है कि इंसान सोचता है कि ये कैसे मेरे लिए अल्लाह ताला ने, इंसान खुद हैरान होता है कि कैसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए इस तरह का इंतजाम कर दिया। और देखें उस वक्त जब इतने सारे मुसलमान जा चुके हैं और ये लोग काइंड ऑफ तन्हा एक तरह से अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, उस वक्त अल्लाह ताला ने ऐसे दो बहादुर लोग मुसलमानों को दे दिए कि जिनसे बहुत स्ट्रेंथ पाई इस्लाम ने। और वो कौन है? वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो याद रखें हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, इंसान बेसब्र हो जाता है। जब इंसान के ऊपर कोई मुश्किल आती है ना तो इंसान कहता है कि बस छोड़ दूं सब चीज, हालांकि जो सब्र के साथ चलता रहता है अल्लाह ताला कोई ना कोई उसके लिए बंदोबस्त कर देता है, कोई इंतजाम कर देता है। सूरह हाका निकालेंगे जरा इसमें। सबसे पहले हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम, उनके इस्लाम लाने का वाकया यूं है कि एक दिन अबू जहल कोहे सफा के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा तो आपको ईजा पहुंचाई। ये याद रखें एक बात पहले कि हजरत हमजा जो थे ना बहुत वेल रिस्पेक्टेड थे उस सोसाइटी में, बहुत वेल रिस्पेक्टेड, बहुत बहादुर थे। जब किसी मजलिस में जाते थे तो सबकी तवज्जो ले लेते थे अपनी तरफ, और जब लड़ते थे तो इनके बारे में मशहूर था कि ये दोनों हाथों से लड़ते हैं, दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। तो और ये इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था? चचा और रज़ाई भाई भी थे। अच्छा, रज़ाई भाई होने से मतलब क्या समझ आता है कि he was close in age to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, राइट? और आप देखें कि जिन लोग उन लोगों को ज्यादा पता होगा, आवाज नहीं आ रही, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों को ज्यादा पता होगा जिनके चचा या मामू या खाला पुप्पी वगैरह उनसे क्लोज होती हैं, तो उनके साथ कितनी फ्रेंडशिप होती है ना, उनके साथ कितना मजा आता है, क्योंकि वो एक यानी ये रिश्ता भी है और एज तकरीबन करीब होने की वजह से बहुत ही ज्यादा उनके साथ क्लोजनेस होती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने चचा ये हजरत हमजा के साथ बहुत क्लोज थे क्योंकि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था और हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब सपोर्ट में ये होते थे, जैसे वो फेवरेट अंकल होते हैं इस तरह। तो बाज जगह पे ये आता है कि हिजरत हबशा से पहले वो मुसलमान हो गए थे, लेकिन ज्यादा राजे ये है कि नहीं बाद में ही हुए थे मुसलमान इस वक्त ना। अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह सफा के नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो अबू जहल आ गया रास्ते में। कहा जाता है कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक पत्थर भी दे मारा जिससे खून बह निकला। और इसका ये हाल था कि उस वक्त ये इतना ज्यादा बॉदर कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसने बुरा भला भी कहा। और जैसे नहीं होता कि कोई आदमी कि आज बस मैंने इसके साथ एक पंगा लेना है कि रास्ता बार बार रोक रहा और उनको जाने नहीं दे रहा और किसी तरह वो ट्रबल चाहता था कि ट्रबल हो जाए, और इसमें उसने इतनी ज्यादा हद तक बदतमीजी पे उतरा है कि उसने पत्थर भी दे मारा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह निकला, यानी जाने नहीं दे रहा था और सब लोग देख रहे हैं ये बात। फिर वो खाना काबा के पास कुरैश की एक मस्जिद में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जदान की एक लौंडी कोहे सफा पर वाकई अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। थोड़ी देर बाद हजरत हमजा कुमान हमायल किए शिकार से वापस तशरीफ लाए। उस वक्त क्या होता था कि हजरत हमजा के बारे में ये होता था कि वो शिकार के लिए निकल जाते थे और कभी हफ्ते हफ्ते तक भी शिकार के पीछे आगे से आगे जाते रहते थे और बहुत अच्छे शिकारी थे। तो वो वापस आए, उन्होंने अपनी कमान डाली हुई है अपने पास और एंटर हो रहे हैं और उनके पास स्किन्स भी हैं हंट्स की और जो भी उन्होंने शिकार किया और बड़े खुश आए। तो आगे से ये जो लौंडी थी उसने आके सारा वाकया क्या सुनाया कि आज तो ये हाल किया है अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे का और ये मैंने देखा और ऐसे किया और आज तो उसने हद ही कर दिया। अब ये सुनना था ये वाकया के हजरत हमजा का जो खून खोलने लगा
हजरत हमजा दौड़ते हुए अबू जहल के सर पर जा सवार हुए और बोले, वो अपने चूतर से पाद निकालने वाले, तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी उसी के दीन पे हूँ, हालांकि अभी इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने जैसे मुंह से बात निकलवा दी। अब इतने एक समझ लें उनके लिए इमोशनल मोमेंट थे, तो गाली दी अबू जहल को और कहने लगे कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे भतीजे को गाली देता है, यानी अभी मैं जिंदा हूं कि तुम अभी इस हद तक पहुंच गए हो कि तुम सोचते हो उसके पीछे कोई नहीं है। इसके बाद उसे इस जोर से कमान मारी कि इसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया, यानी उसके भी सर से खून बहने लगा। अब वो बैठा हुआ अपने लोगों के साथ और इस पर दोनों कबीले बनु मखजूम और बनु हाशिम एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे। अब देखे ना एक सीन क्रिएट हो गया, हजरत हमजा किस कबीले से थे, बनु हाशिम, और अबू जहल किस कबीले से था, बनु मखजूम। और मैंने आपको बताया कि ये ट्राइबल सिस्टम इतना स्ट्रांग था, तुमने हमारे बंदे को अगर मारा ना तो बस फिर पूरा ट्राइब उसके लिए खड़ा हो जाता था, वो लोग अपने आदमी को अकेला नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने कहा ये हजरत हमजा ने जब मारा और खून निकला, उन्होंने देखा तो यहाँ पे तो लोग खड़े हो गए जैसे लड़ने के लिए एकदम खड़े हो जाते, और अभी लग रहा था कि अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मगर अबू जहल ने ये कहकर मामला ठंडा कर दिया कि अबू अमारा यानी हजरत हमजा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी, यानी ऐसे लग रहा था कि ये बात एस्केलेट करेगी, लेकिन अबू जहल भी तो ना बड़ा वाइज था, तो उसने कहा कि नहीं वाकई मैंने गलती की थी और वाकई मैंने इसके भतीजे को ऐसे मारा था और वो हक बजाने पे उसने अपना बदला ले लिया। अब जाहिर है कि हजरत हमजा का इस्लाम महज हमियत के तौर पे था, यानी एक गैरत थी ना अपने भतीजे के लिए, उसके तौर पे था, गोया किसी कसद और इरादे के बगैर जुबान सबकत कर गई थी, अल्लाह ताला ने जुबान से निकलवा दी थी। और बाज़ जगहों पे ये आता है कि हजरत हमजा उसके बाद घर गए और उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या मुंह से बोल दिया ना, क्या कह दिया, तो यानी अपने उसके ऊपर एक जैसे इंसान तदब्बुर करता है ना कि जुबान से बात तो निकल गई, क्या वाकई ऐसी बात है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फरमाया कि जो है ना मुझे बताएं, मैं इतना डिस्टर्ब हूं, मैं सो नहीं सका, तो मुझे बताएं कि कोई मुझे बात समझाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात की तो वो इस्लाम ले आया। फिर दूसरी जगह पे यह आता है कि उसी वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चले गए और कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपका बदला ले लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा काम किया, बनु मखजूम से साथ समझ लें दुश्मनी शुरू हो गई थी, जंग होने लगी थी और आपको कोई खुशी नहीं हो रही, मैं इतना बड़ा काम करके आ रहा हूँ, आपका बदला लेकर आ रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो आपने मेरी जात के लिए बदला लिया ना, आप अगर मेरे दीन का दिफा करते तो तब मुझे खुशी होती। तो उस वक्त हज़रत हमज़ा ने फरमाया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसी वक्त कलमा पढ़ लिया था कि ठीक है मैं फिर इस्लाम लाता, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और वो कुरैश के बड़े मुअज्जज और मजबूत जवान थे, यहाँ तक कि उनका लकब असदुल्लाह अल्लाह का शेर पड़ गया। वो ज़िलहज्जा सन 6 नबूवत में मुसलमान हुए और कुरैश के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए कि पहले अबू तालिब शील्ड बन के खड़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अब हमजा भी, तो उनके लिए यानी एक बहुत तिल मिला देने वाली बात थी। तो यहाँ पे आप ये नोट कर लें कि 6 नबूवत में मुसलमान हुए, वो के कई जगह पे आता है कि 5वीं नबूवत के शुरू में हुए, लेकिन एनी हाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे इंतहा खुशी हुई थी इनके इस्लाम लाने पे, क्योंकि जाहिर है इतने अरसे से जाहिर है इतने साल गुजर गए इस्लाम की तबलीग करते हुए, अपने चचा जो हमेशा साथ होते थे वो ही अलग है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा हरीस थे अपनी फैमिली के लिए कि ये इस्लाम ले आए, बहुत ज्यादा हरीस थे। और पता है ना कि अबू तालिब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कोशिश की कि ये इस्लाम ले आए, और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वालिद अबू कुहाफा जब इस्लाम लेकर आए थे ना, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि मुझे इससे भी ज्यादा खुशी उस वक्त होती कि मेरे रसूल के चचा अगर ईमान ले आते, मेरे बाप की जगह वो ईमान ले आते, तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होती, क्योंकि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होना था ना। हजरत उमर का कबूल इस्लाम, हजरत उमर भी कुरैश में से थे
और बनू आमिर, क्योंकि कुरैश में भी डिफरेंट ब्रांचेज है ना, ये बनू आमिर से थे, ठीक है। और ये भी जैसे बनू हाशिम टॉप की फैमिली है, इसी तरह ये भी टॉप की फैमिली थी, और ये भी बहुत बहादुर थे और समझ लें एक डिप्लोमेट का किरदार अदा करते थे। जब किसी कबीले के पास जाके कोई बात करनी होती थी तो इनको भेजा जाता था डिप्लोमेटिकली, बहुत यानी देखिए ना लीडरशिप क्वालिटीज उनमें उस वक्त से थी, ये नहीं कि इस्लाम लाने के बाद, अल्लाह ताला की तरफ से एक थी लेकिन इस्लाम ने पॉलिश कर दिया उनको। और भी इनके अंदर जो क्वालिटीज थी इंशाल्लाह हम देखते हैं आगे, मगर एक बहुत अहम बात जो इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि इनकी जो मदर थी हजरत उमर की, उनके बारे में आपको कुछ पता है किसी को? वो अबू जहल की सिस्टर थी, अबू जहल की बहन थी, ठीक है। तो अब क्या था, वो किसके अंडर तरबियत पा रहे थे एक तरह से? अबू जहल के। अबू जहल भी बहुत मैंने बताया ना बड़ा अच्छा डिप्लोमेट था, जब कबीलों के अंदर सुलह करानी हो, घरानों में सुलह करानी हो तो होते हैं ना कुछ लोग खानदानों के अंदर जो इस तरह के काम करने में तेज होते हैं, तो अबू जहल वो था। और आपको पता है कि हजरत उमर वो बंदे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि उस आदमी ने क्या, वो जो हबीशा जा रहे थे मुसलमान उनमें से एक जो सहाबी थे उन्होंने क्या कहा था कि खत्ताब के घर का गधा वो पहले इस्लाम ले आएगा, वो उमर नहीं लेकर आएगा। तो आप ये देखें कि क्योंकि ये भी बहुत आगे आगे थे मुसलमानों को टॉर्चर करने में, और पहले हमने पढ़ा है कि एक लौंडी थी और उनको कैसे ये टॉर्चर करते थे। तो जाहिर है अबू जहल के साथ रह के तो और क्या, साथ तो नहीं मगर जाहिर है उसकी अंडर उनके उसके भांजे लग गए। तो हजरत हमजा के इस्लाम लाने के 3 ही दिन बाद उमर रजी अल्लाह तआला भी मुसलमान हो गए। वो इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही सख्त गिर थे। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, हजरत उमर ने छुपकर चंद आयतें सुन ली। इनके दिल में आया कि ये हक है लेकिन अपने इनाद पर कायम रहे। अच्छा ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी आयतें इन्होंने सुनी थी, सूरह हाका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। और ये जब पहुंचे वहां पे हरम गए तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी भी क्या बात हो गई, ये अगर ये आदमी हक है तो कुछ बोलेगा तो कोई नहीं सुन लेते क्या कहता क्या ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है सूरह हाका कितनी स्ट्रॉन्ग सूरत है, और जब सूरह हाका पढ़ रहे हैं और इनके दिल पे असर तो हो रहा है जाहिर है सूरत का, जुबान नबी की हो और ऐसी आयतें हो इतनी जबरदस्त और इतनी स्ट्रॉन्ग आयतें, तो दिल पे असर हो रहा है लेकिन मानना नहीं है। तो दिल में ख्याल आया कि हो ना हो ये जो है ये कोई शायर है, हो ना हो कोई शायरी है, कितनी जबरदस्त शायरी कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयत पढ़ी अगली, वमा हुआ बिकौली शायर कलीलम मा तुमिनून, ये शायर का कॉल नहीं है लेकिन तुम बहुत कम ही मान लेकर आते हो। तो एकदम दिल में इनके ख्याल आया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरात आप देखे ना कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता और एक एक लफ्ज को यानी बिल्कुल खूबसूरती से अदा फरमाते थे। तो जब ये ख्याल दिल में आया तो कहने लगे इनको कैसे पता चल गया कि मेरे दिल में ये बात आई है, जरूर ये कोई काहिन है, ना फॉर्चून टेलर्स होते हैं, गैप की बातें इनको पता चल जाती। तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, वला बिकौली काहिन कलीलम्मा तज़क्करून, ये काहिन का भी कॉल नहीं है लेकिन तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो, ये तंजीलों में रब्बिल आलमीन, ये तो रब्बिल आलमीन का कलाम है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने बता दिया, ये ना समझना कि ये इनका भी कॉल है, देखो अगर ये भी अपने तरफ से कोई चीज बना के लेकर आ जाए तो हम इनके साथ क्या करेंगे, ये आगे आ गया ना। तो उस वक्त यानी एक तरह से फर्स्ट जो एनकाउंटर हजरत उमर का इस्लाम के साथ या कुरान को जो इस तरह से सुना है, तो एकदम उनका दिल तो जाहिर है वो हो गया, लेकिन कई लोग होते ना उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि सिवाय अबू बकर सिद्दीक के, मैंने जिसके सामने भी इस्लाम को पेश किया उसने थोड़ा कुछ ना कुछ पसो पेश किया, एक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे थे, जब उनके सामने रखा उसी वक्त उन्होंने मान लिया। तो टाइम लगता है, हमें लोगों को टाइम देना चाहिए, एकदम फौरन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
देखिए इनको टाइम लगा, इन्होंने ये आयतें सुनी और इस्लाम नहीं लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ, हत्ता के एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े। अब हुआ क्या था, इन्होंने देखा लोगों को एक जगह लोग खड़े हुए थे और लोग बातें कर रहे थे, देखिए कितना बड़ा मसला ये हो गया, जैसे एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है ना कि भाई देखो ये क्या हो रहा है और क्या है, ये मुसलमान हो रहे हैं और कैसे हमारे अंदरमियान इतनी दुश्मनियां पड़ गई हैं। तो इन्होंने कहा कि बस ठीक है, बहादुर तो इतने ज्यादा थे, इन्होंने कहा बस सही है, आज या आर या पार, क्या कर लेंगे लोग मेरा, मैं कत्ल कर दूंगा तो उसके बाद मेरी जान ही ले लेंगे ना, तो ठीक है लेकिन आज मामला खत्म करूं। तो रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई, ये आदमी कौन थे, नुआइन बिन अब्दुल्ला, ये भी सहाबी हैं, साबिकून अलवलून में से हैं। उसने पूछा उमर क्या कहां का इरादा है, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूं, यानी मैं उनकी तलाश में जा रहा हूं, उन्होंने अपना दीन तो छोड़ दिया और कुरैश को तकसीम कर दिया, हमारे इलाकों को बुरा भला कहते हैं, तो मैं बस उनका काम खत्म करने जा रहा हूं। तो जो नुआइन बिन अब्दुल्ला थे उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके बनू हाशिम और बनू जोहरा से कैसे बच सकोगे, कौन है बनू जोहरा, ननियाल, पता चल रहा है टेस्ट की तैयारी हुई हुई है, अच्छी हुई है, वरना अभी आप ये जवाब ना दे सकते है ना। तो बनू हाशिम और बनू जोहरा एक तरफ ददियाल है एक तरफ ननियाल है, उनकी दुश्मनी कैसे तुम कैसे उससे बच सकोगे। तो उमर ने कहा मालूम होता है कि तुम भी बेदीन हो चुके हो। अच्छा अभी इन्होंने आपको पता है ना शुरू में लोगों ने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, सबने तो जाहिर नहीं किया था। उसने कहा ये कौन है, नुआइन। अब नुआइन जो है ना परेशान हो रहे हैं कि ये तो तलवार, अच्छा उस जमाने में अगर कोई नंगी तलवार लेके ऐसे जा रहा है समझ लो कि इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है, और वो भी उमर जैसे बंदे के पास तलवार होने का मतलब था कि अब तो कोई मसला होने वाला है। तो अब उन्होंने उनको इस तरह डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा उमर हैरत की बात ना बताऊं, तुम्हारी बहन बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़ चुके हैं, यानी पहले जाके उनके साथ तो अपना मामला क्लियर करो, तुम क्या इधर चले गए। तो डिस्ट्रैक्ट किया, और बहनोई का नाम क्या था, शाबाश, सईद बिन जईद, ये वो अशरा मुबशरा में से हैं, इनके बहनोई। ये सुन के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने गुस्से में भरे हुए सीधे बहन बहनोई का रुख किया। अब जब वहां पे पहुंचे हैं ना तो दरवाजे पे दस्तक दी, उस जमाने के अंदर ऐसे कोई बड़े बड़े तो घर होते नहीं थे, अंदर से आवाजें आ रही थी, अब मुझे तीन लोग कोई बोल रहे हैं, अब वहां पे हो क्या रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था। आपको इससे पता चलता है कि घर घर कुरान की तालीम हो रही थी, और कौन सिखाने वाले कौन थे, खब्बाब बिन अर्थ, पढ़ा था ना हजरत खब्बाब के बारे में, कैसे कोयलों पे उनको लिटाया के और कैसे, तो खब्बाब जो थे वो तालीम दे रहे थे इनकी बहन और बहनोई को, पढ़ा रहे थे सिखा रहे थे कुरान करीम। तो इससे पता चलता है कि हमें भी अपने घरों में, घर सबसे पहला मदरसा बनता है, घरों के अंदर कुरान की तालीम का इंतजाम करना चाहिए, घर घर सेंटर बन गया था समझ लो। अच्छा जब वहां हजरत खब्बाब बिन अरस सूरह ताहा पर मुश्तमिल एक सहीफा पढ़ा रहे थे, हजरत उमर की आहट सुनी तो वो घर के अंदर छुप गए, क्यों छुप गए, उनको पता था कि उमर जो है बस आवाज तो सुन ली थी तो बस इनके आने का मतलब, उन्होंने बाहर से ही बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि मैंने सुन लिया है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सुन लिया खोलो, तो वो तो बेचारे जाके छुप गए, और इनकी बहन ने सहीफा छुपा दिया। अंदर पहुंचे तो पूछा ये कैसी बिनबिनाहट थी जो मैंने तुम लोगों के पास सुनी, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बस हम आपस में बातें कर रहे थे। उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा गालिबन तुम दोनों बेदीन हो चुके हो, बहनों ने कहा अच्छा उमर ये बताओ कि अगर हक तुम्हारे दीन के मां सिवा में हो तो, यानी तुम ये चीज बर्दाश्त कर सकते हो, सकता है ये हक ना हो जो तुम्हारे पास है, उसके अलावा कोई चीज है जो हक है। इतना सुनना था कि हजरत उमर अपनी बहनोई पर चढ़ बैठे और इन्हें बुरी तरह कुचल दिया। बहन ने लपक कर इन्हें अपने शोहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि चेहरा खून आलूदा हो गया। बहन ने जोश गजब में कहा उमर अगर हक तेरे दीन के मां सिवा में हो तो, और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल, यानी कि अब तुम क्या कर लोगे, ठीक है ये लो मैंने कलमा पढ़ा, मतलब अब छुपाने की जरूरत नहीं है, बस हम सामने आ गए। अच्छा अब इस पर हजरत उमर को मायूसी और निदामत हुई, इन्हें शर्म आई, शर्म क्या आई कि बहन का देखा कि खून निकल रहा है, मैंने थप्पड़ मारा है तो ये मैंने क्या किया, अपनी बहन को इस तरह से मारा,
मतलब एकदम उनका दिल पसीज गया। पहले भी दिल पसीजा था ना, जब औरत एक देख रहे हैं कि सामान ऊपर रख रही है और गुजर रहे हैं और पूछा गया कहाँ जा रही, तो उसने कहा तुम यहाँ पे हमें भी नहीं रहने देते, यहाँ पे हमारे लिए मुसीबत डालेगी, जाने भी नहीं देते, किधर क्या हम करें, एक हमने तुम्हारा दीन ही छोड़ा, क्या ऐसा कर दिया। तो उस वक्त भी दिल ऐसा हो गया कि हमने इतना बुरा इनके साथ कर दिया है कि ये लोग छोड़ छोड़ के जाना शुरू हो गए, अब ये हद हो गई है। तो उस वक्त भी दिल नरम हो गया था, तो दुआ दी थी, और अब भी बहन का खून देखा एकदम दिल पसीज गया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास जो किताब है जरा मुझे भी तो दो, मैं भी पढ़ू। यानी वो अब किताब क्या थी, तहरीर लिखी होती थी ना पहले लेदर उसके ऊपर या हड्डियों पे, कि वो आगे बढ़े उसकी तरफ, जरा मैं भी तो देखूं। तो बहन ने कहा कि नहीं तुम ना पाक हो, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुसल करो, पहले आप जाके नहाओ धो, साफ सुथरे हो गए तो फिर इसको हाथ लगा सकते हैं। उन्होंने उठकर गुसल किया, फिर बहन ने जाहिर उनको दी कुरान का जो नुस्खा था और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी, कहने लगे ये तो बड़ा पाकीजा नाम है, यानी बिस्मिल्लाह का सुनना था। और देखें इसके बाद ताहा से उन्होंने सूरह ताहा पूरी शुरू से लेके यहाँ तक इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाकिमिस सलात लिज़िक्री, यहाँ तक किरात की कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, मेरी इबादत करो और नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। अब सूरह ताहा भी जाहिर है कुरान तो हर जगह से ही जहां से भी देखें कैसे दिल पे असर करता है। जब इन्होंने ये सुना ना तो कहने लगे ये तो बड़ा उम्दा और बड़ा मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद का पता बताओ, यानी मुझे ले चलो। तो बहन ने फौरन कहा कि किस इरादे से क्यों जाना चाहते हैं, तो कहने लगे वल्लाही मैं किसी बुरे इरादे से नहीं जाना चाहता, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। ये सुन के फिर हज़रत खब्बाब जो अंदर थे वो बाहर आ गए और कहने लगे उमर खुश हो जा, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुतालिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम में से जो तेरा महबूब हो इसके जरिए इस्लाम को कुव्वत पहुंचाइए वो ही है। यानी ये दुआ का नतीजा हज़रत खब्बाब उसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम, वो अबू जहल का नाम है, इन दोनों में से किसी एक को मुसलमान करते, और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को चुना। क्यों उसको क्यों नहीं चुना, उनके अंदर जो थी ना बाहर से सख्त थे लेकिन अंदर नरमी थी। आप जब इनकी खिलाफत के जमाने की भी कभी अगर आपको मौका मिले इनकी सीरत पढ़ें तो आपको पता चलता है कितने सॉफ्ट हार्टेड थे, अंदर सख्ती नहीं थी, दिल सख्त नहीं था। एक इंसान बाहर से नजर आता है स्ट्रांग है कुव्वत वाला है लेकिन जब उसका अंदर नरम होता है ना तो अल्लाह ताला उसको हक की पहचान देते। ऑन द अदर हैंड अबू जहल कैसा था, मुतकब्बिर, इंतहाई मुतकब्बिर, यानी जब वो मरने भी लगा था तो उसने कहा था मेरी गर्दन ऐसे नीचे से काटना कि पता चले सरदार की गर्दन, इतना मुतकब्बिर था। उस वक्त भी उसको ये नहीं, यानी उसको हुआ कि मैं जैसे फिरौन आखिर वक्त में तो बोल पड़ा था ना, इसने आखिर वक्त में भी नहीं बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उम्मत का फिरौन ये है अबू जहल, और उस अबू जहल उस फिरौन से भी ज्यादा सख्त है। फिर बतलाया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के पास दारुल अकम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दारुल अकम में थे, क्या करते थे वहां पे, मुसलमानों को तालीम देते थे, उनकी नमाज होती थी वहां पे, ये कुरान सिखाते थे। अच्छा हज़रत उमर ने मियान में तो तलवार डाल ली, और लेकिन उस जमाने में तलवार के साथ घूमना भी जो है ना बहुत बड़ी बात थी कि कुछ मसला है। तो हज़रत उमर वहां से निकलकर दारुल अरकम के पास आए और दरवाजे को दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाजे से झांका तो देखा कि उमर तलवार हिमायल किए मौजूद है, तलवार डाली हुई और मौजूद है, और वो भी डर गए, लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी और सारे लोग सिमट कर यकजा हो गए, घबरा गए ना सारे इकट्ठे हो गए कि ये पता नहीं किस इरादे से आए। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन करें कि इनका क्या लोगों के ऊपर क्या इनका इंप्रेशन था, क्या इनका असर था, कैसे लोग इनको देखते थे, ठीक है, रोब इनका कितना था, हालांकि नौजवान है। और कहते हैं तकरीबन 26-27 इनकी एज होगी उस वक्त। तो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा क्या बात है, लोगों ने कहा उमर है, हज़रत हमजा ने कहा बस उमर है, दरवाजा खोल दो।
अगर वो खैर की नीयत से आया तो हम इसे खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया तो इसी की तलवार से इसका काम तमाम करेंगे। अब कोई सोच नहीं ना सकता था कि ये इस्लाम लाने के लिए आएंगे। 3 डेज हुए अभी हजरत हमजा को इस्लाम लाए। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमाते, आप पर वही नाजिल हो रही थी, वही नाजिल हो चुकी तो अंदर से बैठक में तशरीफ लाए और तलवार के पर तले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कपड़ा पकड़कर सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर क्या तुम उस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल ना फरमा दे जैसे वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। या अल्लाह ये उमर बिन खत्ताब है, या अल्लाह इस उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत और कुव्वत अता फरमा। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए सारे डर रहे थे, लेकिन देखा है कि कितने बहादुर हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कपड़ा पकड़ा और ऐसे खींचा, और ऑन द अदर हैंड कितने वेलकमिंग भी हैं, क्योंकि उमर जो थे जाहिर है इतने लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, तो इस वजह से मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बाज नहीं आओगे। हजरत उमर ने कहा, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आया, मैं इस्लाम लाने आया हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस पर घर के अंदर मौजूद सहाबा कराम ने इस जोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को भी सुनाई पड़ी। सुभान अल्लाह, के उस वक्त उनकी खुशी का आलम सोचे क्या होगा कि इतने सारे लोग तो हबीशा चले गए, अब हम अकेले रह गए, लेकिन अल्लाह ने इतनी जैसे जो पिलर्स हैं इनको इस्लाम की नेमत अता फरमाई, हजरत हमजा हजरत उमर। हाँ तो सोचेंगे कि उनको कैसी खुशी होगी, क्योंकि अब आप देखेंगे कि इसके बाद क्या इफेक्ट हुआ, कितनी स्ट्रेंथ मिली। आप ने यह दुआ फरमाई ना कि इस्लाम को कुव्वत दे इनके जरिए, तो वाकई इस्लाम को कितनी कुव्वत मिली इनके जरिए कि हजरत उमर के इस्लाम पर मुशरिकीन का रद्द अमल। अब ये देखें, अच्छा एक बहुत मजे की आपको बात बताती हूँ कि आगे आ भी रही है। हजरत उमर जो थे जब इस्लाम लाए तो इसके बाद इन्होंने पता किया कि कौन बंदा ऐसा है जो पेट का बहुत हल्का हो। एक बंदे होते हैं ना जो ढोल होते हैं किसी कम्युनिटी में, कि उनको बात पता चल जाए तो समझ लो बात अब छुपनी नहीं है, वो किसी और को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा मैं घर घर क्या जाऊं या कोई लाउड स्पीकर पे क्या ऐलान करूं, तो वो उसके पास गए और उसको बता दिया कि मैं मुसलमान हूं। वो उसने क्या किया, वो दौड़ा हरम की तरफ, वो आगे आ रहा है जलील बिन मोहम्मद जहमी, तो वो दौड़ा हरम की तरफ क्योंकि वहां जाके बोलेगा ना वो लोगो लोगो सुनो उमर बेदीन हो गया। तो फरमाया नहीं बेदीन नहीं हुआ, मुसलमान हो गया। देखें इतने यानी स्ट्रॉन्ग थे ना कि डर नहीं था किसी का। वो पता है जब ये हिजरत भी करने लगे थे तो इन्होंने उस वक्त भी लोगों से कहा था कि हरम में गए, नमाज तवाफ किया, नमाज पढ़ी और लोगों में कहा कि उमर हिजरत कर रहा है, मेरा ये सामान है और जिसको अपनी दीदी को बेवा कराना है ना वो आके मेरे से लड़ ले, मैं बाहर बैठा हूं। इतनी बड़ी जरूरत थी उनकी। सुभान अल्लाह, मैंने बताया ना कि ये ऐसे लोग जो होते हैं मतलब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत होता है, हर एक बंदा ऐसा नहीं होता। इनकी पर्सनैलिटी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जहां जाते थे मतलब ऐसे बात करते थे कि लोगों को, और मैनेज करना लोगों को बहुत अच्छा आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि उमर जहां से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है ना। सुभान अल्लाह, ऐसा ईमान हो तो क्या ही बात है। अल्लाह हू अकबर। हजरत उमर इस कदर शहजोर थे कि कोई उनका रुख ना करता था, चुनाचे जब वो मुसलमान हुए तो कुरैश का जो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत और मुसलमानों की ईजा रसानी में सबसे ज्यादा सख्त था यानी अबू जहल, हजरत उमर इसके पास गए और दरवाजे को दस्तक दी। डर नहीं था ना किसी का। वो बाहर आया और देखकर बोला अहलन वसहलन, खुश आमदेद, कैसे आना होगा, क्योंकि हजरत उमर सोचिए जैसे सेकेंड इन कमांड थे, इसके असिस्टेंट कह ले। बोले इसलिए आया हूं कि तुम्हें बताऊं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूं। और आपको पता है ना ईमान लाने का मतलब क्या था उस जमाने में, और लोग देख चुके थे अबू बकर सिद्दीक के साथ क्या हुआ था, हजरत उस्मान के साथ क्या होता था, वो तंग आके हिजरत कर गए, क्या क्या लोगों के साथ। तो क्या ये दावत देना था कि आओ और बस मुझे तकलीफ दो या मेरी अब जिंदगी अजीरन कर दो। लोग छुपा रहे हैं अपना इस्लाम, ये जा जाके बता रहे हैं।
یعنی ایسے وہ اپنے اللہ کی خاطر دیکھ لینے والے تھے, تو ایسے نہیں ہے اتنے مقام اور مرتبے بلند. یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر کے رخ پر دروازہ بند کر دیا, جیسے دروازہ کسی کے منہ پہ بند کر دیتے ہیں نا, یعنی اس کو بھی اتنی جرات نہیں ہوئی تھی کہ وہ کچھ کہے. اور پھر یہ ظاہر ہے ایک رشتہ داری بھی تھی, اور کہا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا اس کا برا کرے. یعنی اس نے کہا کہ تم بے وقوف لڑکے تم نے کیا کر دیا یہ. اب اس کے بعد حضرت عمر اپنے ماموں آسی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتایا, تو وہ گھر کے اندر گھس گیا. اس کے بعد یہ ہے جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے. یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا. اسے بتایا کہ آپ مسلمان ہو گئے, تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. حضرت عمر نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے, میں مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مارے ہیں, لوگ حضرت عمر کو مارے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دو تین درجن لوگ تھے اور وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے, اور ایک بندہ ہوتا ہے نا جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بھی مار رہے ہیں اور وہ بھی مار رہے ہیں. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ کتنے گھنٹے گزر گئے اور یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے. اب اندازہ کریں حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا چھوٹے سے لڑکے تھے, ان کے جو بیٹے تھے حضرت عمر کے, اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ. اور کہتے ہیں کہ آخر جب سارے لوگ مارتے گئے اس طرح اور میرے والد لڑتے گئے, تو آخر تھک کے میرے والد بیٹھ گئے اور فرمایا جو کرنا ہے کر لو, تو اب مطلب آئی ڈونٹ کیئر والی, جو کرنا ہے کرو. تو اس وقت اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں. ایسا نہیں تھا کہ وہ اتنے یہ قریش مکہ کو اتنے معصوم نہیں تھے, ایسے نہیں تھا کہ وہ کوئی تدبیر نہ کرتے. انہوں نے ہر طرح کی تدبیر کی, ہر طرح کی. نہیں ہم آپ سوچتے ہیں نا جیسے ہمارے دماغ میں ہاں ہاں بہت مسئلے ہوئے بہت مسائب ہوئے اور ہم ایک سینٹنس میں اس بات کو کہہ جاتے ہیں. آپ سوچیں ایوری ڈے ایک نیا چیلنج ہے, زندگی لائف ایز نارمل نہیں ان کی گزر رہی کہ صبح اٹھے کام کاروبار گئے, ایوری ڈے ایک چیلنج. اور اب دیکھیں وہ لوگ مارنے کے لیے چل پڑے. اور ایک آدمی نے کہا تھا اس وقت کہ حضرت عمر جس اسٹرینتھ کے ساتھ لڑ رہے تھے, جس زور کے ساتھ لڑ رہے تھے, کہ ہم 300 بھی ہوتے تو لگتا تھا کہ یہ لڑتے رہیں گے ہمارے ساتھ, اس زور کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے. ایک ایمان کی قوت الگ ہوتی ہے نا, ایک جسمانی قوت ہے اور ایک ایمان کی قوت ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اس کے بعد اچھا پھر ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی بہ اٹھی تھی. کیا مطلب ہے اس کا, یہ اتنے لوگ آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کا ریلا آ رہا ہے, اتنے سارے جمع ہو کے آ رہے تھے, ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں آج. لیکن وہ ہے نا جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے, دنیا ساری بھی دشمن ہو جائے اور سوچے کہ اس کو نہیں ہم چھوڑیں گے, تو ایک اللہ ہے جب تک وہ نہ فیصلہ کرے کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا. تو ہوا کیا, اسی اثنا میں آس بن وائل سہم ہی آ گیا. یہ بنو سہم حضرت عمر کے قبیلے بنو ابی کے حلیف تھے. یعنی اب پہلے حلیف ہونے کا ایک اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ قسم کھا کے ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے, اور پھر ان کا ایک سمجھ لیں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ, اگر تمہیں کوئی نقصان دے گا تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے, اس کے ساتھ لڑیں گے, تمہارا دوست ہمارا دوست, یعنی بالکل ایک ہو جاتے تھے بھائیوں کی طرح سمجھ لیں. تو اس آدمی کا وہ جو آس بن وائل تھا اس کا قبیلہ جو تھا اور حضرت عمر کا قبیلہ یہ حلیف قبیلے تھے. تو وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا. اس نے پوچھا کیا بات ہے. حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی. آس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا, دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی بہ پڑی ہے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہ کرے, یعنی اب ضرورت نہ کرنا اس کو ٹچ کرنے کی, یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے, کیونکہ اب بنو سہم سے بھی دشمنی لے لینا, حضرت عمر کے قبیلے سے بھی. اب ایک بندے نے آگے کھڑے ہوئے کہا کہ نہیں اس کو ٹچ نہ کرنا. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اندر سے ہی سپورٹر نکال دیتا. ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات کیسے بھی ہوں, آج بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ اسلام کے بدترین دشمن ہیں, چاہے وہ میڈیا میں ہوں چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے اللہ تعالیٰ انہیں کے اندر سے کسی کو نکال دیتا جو اسلام کے حق میں بولنا شروع کر دیتے. وہ ہوتے انہی میں سے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اسلام کا مسلمانوں کا سپورٹر بنا دیا ہوتا.
ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उनके इस्लाम से, इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत, सुभान अल्लाह के इनकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों की कैसी इज्जत हुई। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो उमर रजी अल्लाह ताला के इस्लाम लाने से उन्होंने बड़ी इज्जत और कुव्वत महसूस की। इससे पहले मुसलमान छुपके नमाज पढ़ते थे। कहां पे पढ़ते थे? छुपके, दारुल अकरम, ठीक है। वो मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पे नहीं है, ख्वा जिंदा हूं ख्वा मुर्दा? आपने फरमाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा फिर छुपना कैसा? उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम जरूर निकलेंगे। और दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुई मुसलमानों की, और ये हजरत उमर की वजह से। और आप ये देखें कि चुनाचे मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमरा लेकर दो सफों में निकले, एक में हजरत हमजा और एक में हजरत उमर थे। दो सफे, कहते हैं 40 लोग थे, 20-20 की सफे बना ली, एक में सबसे आगे हजरत हमजा और एक में सबसे आगे हजरत उमर। अब देखो हमारा कुछ बिगाड़ के देखो, इनके चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ा था। पता है कैसे चल रहे थे? जैसे हम मार्च करते हैं ना, आर्मीज मार्च करती हैं, तो कैसे गुबार उड़ता है, इस तरह जा रहे थे, इतनी जुर्रत। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि मस्जिद हराम में जा दाखिल हुए, कुरैश ने देखा तो इनके दिलों पर ऐसी चोट लगी कि अब तक ना लगी थी। इसी वजह से हजरत उमर का लकब फारूक पड़ गया। सुभान अल्लाह, अने कुरैश तो अब तिल मिला उठे कि ये हो क्या गया, अब इनकी इतनी जरूरत हो गई, ये पब्लिक में आके बगैर किसी खौफ के, बगैर डर के, और ये इस तरह से सामने सबके इतने कॉन्फिडेंस के साथ आके यहाँ पे नमाज पढ़े। और हजरत उमर ने पहुंच के वहां पे लोगों से कहा था कि सुन लो, हम यहाँ पे नमाज पढ़ने लगे, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो किसी की जरूरत नहीं हुई और मुसलमानों ने वहां पे खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला का बयान है कि जब से उमर रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया, हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। उन्होंने ये भी फरमाया कि हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर ना थे, यहाँ तक कि उमर रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। लूलू वल मरजान में वो हदीस है ना कि उमर क्या थे, फितनों के आगे दरवाजा थे। जब वो फौत हुए है ना, तो उसके बाद फितने ऐसे शुरू हुए कि फिर ये दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो इनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम को उरूज ही मिलता रहा, ताकत ही मिलती रही, इज्जत मिलती रही। हजरत सुहेब रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए तो इस्लाम जाहिर हुआ, इसकी एलानिया दावत दी गई, हम हल्के लगाकर बैतुल्ला के गिर्द बैठे और इसका तवाफ किया, और जिसने हम पर सख्ती की इससे इंतकाम लिया और इसके बाद मजालिम का जवाब दिया। यानी मुसलमान इतनी फिर स्ट्रेंथ फील करते थे। अपुर कशिश मरगूबात की पेशकश। अब क्या हुआ, कुरैश देखें, अब वो देख रहे हैं कि ये हो क्या गया, हम यानी हमने तो इनको इतना टॉर्चर किया और ये किया। एक तरफ उनको ये बात इतनी खल रही थी कि ये मुसलमान आराम से जाके हबशा में रहने लग गए, और इधर ये दो और इतने पावरफुल लोग इस्लाम ले आए, तो यानी वो बहुत ज्यादा उनके लिए ये बात मुश्किल थी हजम करना। तो अब उन्होंने क्या किया, हजरत हमजा और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के मुसलमान हो जाने के बाद जब मुशरिकीन ने मुसलमानों की कुव्वत और शौकत देखी तो बाहम मशवरे के लिए इकट्ठे हुए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के बारे में मुनासिब तरीन कदम उठा सके। इनसे उतबा बिन रबिया ने, जो बनी अब्दुश्शम्स से ताल्लुक रखता था और अपनी कौम का सरदार और साहिब फरमान था, कहा। अब मैं आप थोड़ा सा उतबा के बारे में आपको बता दूं। उतबा बिन रबिया जो था ये भी बहुत मालदार आदमी था, सियासी तौर पे पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये उन लोगों में से था जिसने दुनिया घूमी भी थी और बड़े बड़े बादशाहों के, तकरीबन सारे जो बड़े बड़े दुनिया के किंग्स थे उनके दरबारों में इसने हाजिरी दी भी थी, उनके साथ बातचीत की भी थी। यानी एक बंदा होता है ना कि एक तो लोग होते हैं बस वो उसी सिटी में रहने वाले थे, एक बंदा जब ट्रेवल करता है तो उसका होराइजन कितना ब्रॉड हो जाता है, कितने कई चीजों की समझ आ जाती है उसको, तो बड़ा दाना था। इसीलिए ये बात आती है कि बदर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी है जो लोगों के साथ कोई बात कर रहा है, कुछ उनको समझा रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो उतबा बिन रबिया था।
तो वो कह रहा था अपने लोगों को कि तुम क्यों लड़ रहे हो, ये तुम्हारे सामने अगर तुम इनको मारोगे तो ये कौन लोग हैं, तुम्हारे अपने चचा हैं, भाई हैं, तुम्हारे अपने खानदान के लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं इनसे, अगर तुम इनको मारोगे तब भी ये तुम्हारे रिश्तेदार है, अगर वो तुम्हें मारेंगे तो तब भी एक यानी नुकसान ही है ना, और अगर ये गालिब आ जाते हैं तो तुम्हारा ही फायदा है। दुनिया में देखो कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारे अपने लोग हैं जो ऊपर आ गए, और अगर दुनिया इनको मार देती है तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें क्या जरूरत है मारने की। तो बड़ी समझदारी की बातें वो कर रहा था, उनको समझा रहा था मत करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा, फरमाया था कि आज अगर इस आदमी की बात ये लोग सुन लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, अबू जहल ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और इसी बदर में उतबा और इसका बेटा दोनों मारे गए थे। बहुत बहुत यानी समझदार आदमी था। तो अब ये कुरैश जमा हुए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा आदमी लेकर आओ जिसके पास इतना नॉलेज हो, जो पहचान सके कि ये आदमी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादूगर हैं या शायर हैं या इनके ऊपर कोई जुनून लाहिक है, कोई जिन का साया हो गया, कोई ऐसा आदमी हो। तो सबने मिलके कहा कि ये उतबा जो है ना वो बहुत समझदार है, वो इतना समझदार है वो समझ लेगा कि ये क्या क्या इनको है, मसला क्या है इनके साथ। तो वो सारे गए उतबा के पास और उन्होंने कहा हम तो एक लास्ट होप तुम ही रह गए हो, तो तुम जाके अब बात करो। अब ये समझ लेंगे, ये पढ़ा लिखा भी था। तो उसने कहा कुरैश के लोगों क्यों ना मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इनसे गुफ्तगू करूं और इन पर चंद बातें पेश करूं, मुमकिन है कोई चीज कबूल कर लें तो वो चीज हम इन्हें दे देंगे और वो हमसे बाज रहेंगे। उसने इतना ही आसान समझा कि जो मांगेंगे हम दे देंगे, ठीक है। हर जिसको हम कहते हैं ना हर एक बंदे की एक कीमत होती है, तो इनकी कीमत लगाएंगे, जितनी भी कीमत मांगेंगे तो ठीक है। लोगों ने कहा ठीक है अबुल वलीद, आप जाइए और इनसे बात कीजिए। इसके बाद उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मस्जिद में तन्हा बैठे थे। उसने कहा भतीजे, अब ये ना जरा बड़ी उम्र का था, उसने कहा भतीजे हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा और मकाम है वो तुम्हें मालूम, तुम हसब और नसब के लिहाज से हमारे बेहतरीन आदमी हो, और अब तुम अपनी कौम के पास एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनका शिराजा बिखेर दिया, इनकी अकलों को हमाकत ज़दा कहा है, इनके माबूदों और इनके दीन की ऐब चीनी की है और इनके गुजरे हुए आबाओजाद को काफिर ठहराया, लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद चीजें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है इनमें से कोई चीज कबूल कर लो। मैंने पहले बड़ी तारीफ वगैरह की, बड़ा अच्छा कहा, और उसके बाद समझ लें ब्राइब करने की कोशिश की ना, रिश्वत ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबुल वलीद कहो मैं सुनूंगा। उसने कहा भतीजे यह मामला जिसे तुम लेकर आयो, अगर इससे तुम चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए जाते हैं किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओ। और ये कोई ऐसी ही बात नहीं थी, ही रियली मेंट इट कि हाँ वाकई हम तुम्हें इतना मालदार कर लेंगे, हम इतने जमा कर लेंगे, और अगर तुम एजाज और मर्तबा हासिल करना चाहते हो, क्योंकि हर एक बंदे की एक ही प्राइस नहीं होती ना, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ, कई लोगों को जाह का शौक होता है, तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फैसला नहीं करेंगे। कितनी बड़ी एक मर्तबा और कितना बड़ा एक सीट दिया, स्टेटस दिया, और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं, और अगर तुम्हारे अंदर ख्वाहिश नफ्स है तो कुरैश की जो औरत चाहो मुंतखब कर लो, जिस पे तुम उंगली रखोगे ना हम 10 औरतों से तुम्हारी शादी किए देते हैं, और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम दफा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज फराहम किए देते हैं, और इस पर इतना माल खर्च करने को तैयार है कि तुम शिफायाब हो जाओ, क्योंकि कभी कभी जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और इसका इलाज करवाना पड़ता है। देखो अल्लाह अकबर, इनकी अकलों को क्या हो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबुल वलीद तुम अपनी बात कह चुके, अब आपने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, ना बात काटी ना ये बीच में ही कहा नहीं 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 तुम क्या बात कर रहे हो और मैंने नहीं कोई भी चीज लेनी, नहीं पूरी बात उसने कह दी। फिर पूछा तुमने अपनी बात मुकम्मल कर ली या बात कर चुके, आर यू डन? उसने कहा। अब देखें दूसरा बंदा अब इस पोजीशन में है कि आपकी बात सुने, जब हम क्या करते ना अभी उसने बोला होता नहीं हम पहले चढ़ाइयां शुरू कर देते, तुमने मुझे क्या समझा है, तुम मैं रिश्वत लूंगी ये फलाना ये, तो वो बात बीच में ही रह जाती। अब उसने बात खत्म कर ली, अब वो सुनने के मूड में है। आपने फरमाया अब मेरी बात सुनो। उसने कहा ठीक है मैं सुनूंगा, ठीक है मैंने अपनी बात कह ली मुकम्मल हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उसकी बात सुनी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात तिलावत फरमाई, इंशाल्लाह ये आयात आप सुने। अब सूरह फुसिलत की आयात है, तो
इन आयात का फिर क्या असर हुआ। بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون। ये शुरू की, ये शुरू की पांच आयात तिलावत फरमाई और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए, लेकिन अब हमारे पास चूंकि इतना वक्त नहीं है तो इतनी ही आपको सुनाई है। आप घर में एक दफा इसको पढ़िएगा कि इस सूरत में कहा क्या गया। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम करने वाला है, हामीम, ये रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल की हुई ऐसी किताब है जिसकी आयतें खोल खोल के बयान कर दी गई। अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला, लेकिन अक्सर लोगों ने एराज किया और वो सुनते नहीं। कहते हैं जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो इसके लिए हमारे दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान रोक है, बस तुम काम किए जाओ, हम भी काम किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते गए और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे जमीन पर टेके सुनता रहा। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ ना, लेकिन एक और जगह आता है कि उतबा ऐसे पीछे हाथ रखे जैसे एक इंसान रिलैक्स होकर बैठ जाता ना कि ठीक है अब मैंने बात कर ली, अब आप बताएं। अब ऐसे बैठा, जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते गए उसके चेहरे का रंग बदल गया था, वो बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया और उसकी यानी चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इसके ऊपर असर हो रहा है। हत्ता के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पे पहुंचे, फा इन आरदु फकुल अंजरतुकुम सायकतन मिसला सायकत आदि व समूद, बस अगर वो मुंह मोड़ते हैं तो तुम कह दो मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के खतरे से आगाह करता हूँ कि तुम अब फिर ठीक है। अगर नहीं मानते इस सारे के बावजूद, क्योंकि इसमें इस सूरत में फिर अल्लाह ताला ने अपनी नियमतों का जिक्र किया, इन सारे के बावजूद अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है फिर मैं तुम्हें वॉर्न करता हूँ। वो जो बिजलियां कड़की थी आद और समूद के ऊपर, जो उनके ऊपर चिंगाड़ आई थी, उसका फिर इंतजार करो। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये बंदा घूमा हुआ था दुनिया में, इसको पता था आद और समूद के साथ क्या हुआ है, और ये जाहिर है इतना समझदार था, इसीलिए उन्होंने सब में इसको चूज किया था कि ये है जो रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कलाम क्या है, इनके ये क्या बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी कोई भी बात नहीं की, सीधी क्या कुरान सुना दिया। और दूसरा इससे क्या पता चलता है कि दाई जो है जब तक वो ऐसा बेलॉस नहीं होता ना कि उसके सामने कोई चीज आप पेशकश कर दें, ये पैसा है, ये पोजीशन है, ये जॉब है, ये फलां चीज है, और जब तक वो इतना बेलॉस ना हो कि वो हर चीज को कह दे कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया का कोई लालच उसके दिल में ना हो, तब तक उसकी बात दूसरे के दिल पे असर नहीं करती। इस काम के लिए बेलॉस होना जरूरी है, लालच नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ये काम इसलिए करता है मुझे इज्जत मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, लोग मेरी वाहवाह करें, अब उसने सब चीज ऑफर की है ना, मकाम, मर्तबा, इजाज, माल, औरत, बादशाहत, एवरीथिंग, और अगर एक इंसान कोई इनमें से कोई चीज का भी ख्वाहिशमंद है तो उसकी दावत में असर नहीं होगा, फिर वो लोगों को बताएगा बेअसर होगी। तो इसके लिए देखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, एक चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया, आगे कुरान सुना दिया। ये सुन लो, हत्ता के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की ना कि ठीक है मैं तुम्हें फिर वॉर्न करता हूं उसे, तो उतबा कहते हैं उठा, उछला अपनी जगह से और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख दिया, कहता है हसबुक हसबुक, बस 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 काफी है, बस इसे आगे ना बोला, इतनी उसकी हालत खराब हो गई। तो उतबा ने अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर रख दिया और अल्लाह और कराबत का वास्ता देकर कहा ऐसा ना करें, बस अल्लाह का वास्ता है आपको, आपको अपनी कराबत का वास्ता है। वो इतना डर गया था,
उसे डर था कि कहीं ये अजाब आ ना पड़े, उसने कहा बस इतना काफी है। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे सजदा पर पहुंचे तो सजदा किया, फिर फरमाया अबुल वलीद तुमने सुन लिया? इसने कहा हाँ मैंने सुन लिया। आपने फरमाया अब तुम हो और वो है। बस ठीक है, फिर मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूँ। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों का रुख किया। उन्होंने आपस में कहा वल्लाही उतबा तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आया जो लेकर गया था। क्या मतलब है? ये जो आदमी गया था ना वो वापस नहीं आ रहा, वो कोई और ही बदल गया है। क्योंकि जाहिर है उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी और वो समझ गए कि लगता है इसके ऊपर भी, उनके नजदीक तो जादू था ना, उन्होंने कहा इस पे भी जादू चल गया। फिर जब इनके दरमियान आ बैठा तो उन्होंने कहा अबुल वलीद पीछे की क्या खबर है? उसने कहा पीछे की खबर ये है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वल्ला ही मैंने वैसा कलाम कभी नहीं सुना। क्योंकि उसने कहा कि मैं दुनिया घूमा हूं, मैंने बड़े बड़े शायर सुने, ये कलाम इस जमीन का कलाम नहीं, ये इस जमीन का नहीं है कि कोई इंसान ये बोल सके। ना वो शेर है, ना जादू, ना कहानत। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पे छोड़ दो। मेरी राय ये है कि इस शख्स को इसके हाल पे छोड़ के अलग थलग बैठ रहो। अल्लाह की कसम मैंने इसका जो कॉल सुना इससे जबरदस्त वाकया रूनुमा हो के रहेगा। अब अगर इस शख्स को अरब ने मार डाला तो तुम्हारा काम दूसरों के जरिए अंजाम पा जाएगा। तो तुम्हें क्या जरूरत है ये जुर्म अपने सिर लेने की? अगर दूसरों ने मार दिया तो तुम्हारा तो काम हो गया ना। और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो इसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत है, वो वन ऑफ यू है, और इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होगी और इसका वजूद सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सादत का बायस बनेगा। भाई अगर गालिब आ गया इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तुम लोगों का ही ऊपर होगा ना नाम। लोगों ने कहा अबुल वदीद वल्ला ही इसने तुम पे भी जादू कर दिया। उसने कहा इस शख्स के बारे में मेरी राय यही है, अब तुम जो चाहो करो। अच्छा, अब इसके बारे में डिटेल्स में ये आता है कि अबू जहल को जब खबर पहुंच गई ना कि ये वाकया हुआ तो वो तो टू कट द लॉसेस उसने कहा ये तो मुसीबत पड़ जाएगी, और वो फौरन गया इसके घर और उसने जाके कहा कि भाई हम सारे लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और वो तुम्हें देना चाहते हैं। उसने कहा क्यों, मुझे क्यों देंगे लोग, मैं तो खुद इतना मालदार हूँ, मेरे पास इतना माल है, सारों का माल जमा करके भी उतना किसी के पास नहीं होगा। उन्होंने कहा इसलिए कि तुम्हारे पर जरा सदका कर दें, तुम पैसे के पीछे ही उधर जाके बैठे हो ना और तुम्हारी नीयत खराब हो गई। तो उसने कहा बिल्कुल भी ये बात नहीं है। तो उसने कहा फिर अब ऐसा करो कोई ऐसी बात मुंह से कहो जिससे लोगों को पता चल जाए कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो, ठीक है ना, वरना लोग तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। अब उतबा को नजर आया था क्या हुआ था, क्या हुआ था अबू बकर सिद्दीक के साथ, क्या हुआ था हजरत उस्मान के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने चैलेंजेस का मुकाबला करें, उनके साथियों के साथ क्या हो रहा है, हजरत उमर के साथ क्या हुआ। उसको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का मतलब है गिविंग अप अपनी लीडरी, अपनी सरदारी, अपना सारा ये जो मेरे पास लोग इतना पूछ रहे हैं। देखिए आप सारे उठ के उसके पास आए कि तुम इतने समझदार हो, कितनी बड़ी बात होती है ना कि सबको छोड़ के एक आदमी को इतना उन्होंने वैल्यू दी कि तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ, तो ये तो सब कुछ चली जाए, सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो मैं किस काम का रहूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा फिर मुझे कुछ सोचने दो। फिर उसके बाद वो पब्लिक में आया दो तीन दिन के बाद और उसने आके कहा कि भाई मैंने तो जाके जो बातें वहां पे सुनी है ना वो ऐसी शायरी है और ऐसी बातें हैं कि मैं तो उसको बर्दाश्त कर गया लेकिन तुम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, वो इतना जबरदस्त जादू है उसके अंदर, तो तुम लोगों के ऊपर ये चल जाएगा, तो इसलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि इससे दूर रहो और ऐसे रहो। तो उसने बहुत इस तरह की बातें की, यानी बिल्कुल इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा दुख हुआ था इस बारे में क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखे थे उसके चेहरे के तासुरात, उसे ये सोचा था कि शायद आप ये इस्लाम ले आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके नसीब में इस्लाम लाना नहीं था। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम करे दीन के लिए और हक जब हमारे सामने आए तो हमें हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।